एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है बैक्टीरिया द्वारा कंजक्टाइवा का, लिड मार्जिन का, और जनरली जो लिड मार्जिन होगी वो नियर द एंगल इन्वॉल्व करेगी। कहाँ? नियर द एंगल इन्वॉल्वमेंट होगा। ये क्रोनिक कंडीशन होती है। इसका कोस क्या होता है? एक्यूट एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया कोस है। किसके द्वारा? मोरेक्सेला एक्सेनफील्ड के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? नेजल कैविटी के थ्रू ये होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सोर्स क्या है? नेजल कैविटी। मोड ऑफ इन्फेक्शन जैसे हैंड कर्चिप और फिंगर के द्वारा ये फैलता है। इसमें ये जो बैक्टीरिया होता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बनाता है। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम टीयर के एक्शन की वजह से एंगल पे कलेक्ट हो जाएगा, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटीन का डिग्रेडेशन करेगा, मैसरेशन कर देता है। तो क्या होगा? कंजक्टिवाइटिस, लिड का इन्फ्लामेशन कराएगा सराउंडिंग स्किन का, एंगल के अराउंड। तो अगर सिम्टम की बात करें तो माइल्ड इरिटेशन होगा और डर्टी वाइट फोमी डिस्चार्ज आएगा और रेड हो जाएंगी आँखें, क्योंकि इन्फ्लामेशन है। साइन क्या मिलेगा? इन्फ्लामेशन की वजह से हाइपरीमिया। किसका? बल्बर कंजक्टाइवा का, लिड मार्जिन का। कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो सकती है? कॉर्नियल अल्सर, और चूंकि ये लिड का इन्फ्लामेशन करेगा, ब्लेफराइटिस। ट्रीटमेंट में इसमें गुड पर्सनल हाइजीन यूज की जाती है और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज की जाती है। साथ ही साथ क्या यूज करते हैं? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जिंक लोशन और ऑइंटमेंट यूज करते हैं। सर, इसमें जिंक लोशन क्यों देते हैं? जिंक लोशन के यूज़ करने की वजह से अमन क्या होगा कि ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगा। वो ही क्या कलेक्ट हो रहा था एंगल पे और मेसरेशन करता था, तो अब वो मेसरेशन कम हो जाएगा, तो हमें कंजक्टिवाइटिस के प्रिवेंट करेगा। तो ये हमने कंप्लीट करा एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। थैंक यू।